चितारोली के संती के गणेश जी देखने के बाद में बारी है नेक्स्ट गणेश जी देखने की, और इसके ही अपोजिट में आपको श्री श्याम मंदिर करके ये देखने मिलेगा। अब इस पंडाल में क्या खास है, सो यहाँ पे श्याम जी दैट मीन्स खाटू श्याम का थीम रखा गया है और बापा की मूर्ति भी बहुत ही प्यारी सी है। बापा के पीछे में आपको मेन चीज़ देखने मिलेगी जो कि है श्याम जी हमारे। सो यहाँ पे कुछ अलग यूनिक करने की कोशिश की गई है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और कैमरा पता नहीं जस्टिस कर पा रहा है या नहीं, बट यहाँ की ब्यूटी बहुत ही सुंदर है। और सीरियसली ऐसा लग रहा है मैं यहीं पे रुक जाऊँ, इतना सुंदर खाटू श्याम जी को तैयार किया है यहाँ पे, देख लो आप भी दर्शन कर लो। यहाँ की टीम से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे खाटू श्याम जी को रोज़ नए फूलों से सजाया जाता है जो कि इस मूर्ति को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो नागपुरियंस, आपने ये पंडाल विजिट किया है या नहीं मुझे कॉमेंट्स में बताओ, नहीं किया तो जल्दी जाके करो। वन ऑफ द बेस्ट पंडाल्स ऑफ नागपुर फ्रेंड्स, ये आपको देखने मिलेगा जस्ट संती के राजा के अपोजिट में, और सीरियसली बहुत ही सुंदर है। मतलब एक बार आप आओ दर्शन करो, छोटी सी गली से होके रास्ता गुजरता है, दर्शन करोगे ना तो सीरियसली ऐसे लगेगा कि बड़े बड़े गणपति फेल है इसके सामने। यहीं से गुजरते हुए टिमकी की ओर मुझे ये सुंदर से पापा के दर्शन हुए हैं, और आप देख सकते हो कितने ही प्यारे पापा है ये। मैं आई हूँ टिमकी का राजा देखने, सो चलते हैं टिमकी का राजा देखते हैं। पंडाल तो बालाजी का लगा हुआ है, और यहाँ पे ऊपर में अपोजिट साइड में लाइट्स लगाई गई है ताकि वो सीधे ही पंडाल पे रोशनी दे सकें। चलो अंदर चलते हैं और टिमकी के राजा के दर्शन करते हैं। यहाँ पे मेंशन है ओम गण गणपते नमः, और पूरा ही राजमहल वाला थीम रखा गया है, और बहुत ही सुंदर से टिमकी के राजा भी बहुत ही सुंदर है, और वो अपने वाहन पे विराजमान है यहाँ पे। ये था टिमकी के राजा का लुक। अब चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर, और इसी पर हम ऐसे इसमें और कौन सा सुंदर सा पंडाल हमें देखने मिलता है, लेट्स सी। गांधीबाग के सूत एवं हैंडलूम मार्केट में हूँ मैं, और यहाँ पे विराजमान है हमारे बद्रीनाथ की थीम पे गणपति बाप्पा। और लास्ट ईयर यहाँ पे केदारनाथ की थीम के बाप्पा थे, और इस साल इन्होंने बद्रीनाथ की थीम पे बाप्पा सजाए गए हैं। लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है मूर्ति। और हाँ, यहाँ का डेकोरेशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट आई होप सो जब तक आप यहाँ पे दर्शन करने जाओ यहाँ का डेकोरेशन कम्प्लीट हो जाएगा। सो कैसे लगे आपको टिमकी के राजा, और साथ ही में ये गणेश जी हमारे बद्रीनाथ की थीम पे बेस्ट, मुझे कमेंट्स में बताओ। चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाओ।